दोस्तों मेरा बैकग्राउंड आप लोगों को ब्लर दिखाई दे रहा होगा, है ना? दोस्तों ये DSLR कैमरे का कमाल नहीं है मेरे भाई, मैं ये आज वीडियो अपने एंड्रॉइड फोन से शूट कर रहा हूँ। आप लोगों की डिमांड पे दोस्तों मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों DSLR कैमरा ही सिर्फ ब्लर बैकग्राउंड की वीडियो शूट कर सकता है। आज दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा एक ट्रिक जो आज तक किसी ने नहीं बताई होगी। दोस्तों आप अपने एंड्रॉइड मोबाइल से ब्लर बैकग्राउंड की वीडियो शूट कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। दोस्तों ये वीडियो कंप्लीट देखना, क्योंकि दोस्तों ये है एक ट्रिक। अगर दोस्तों वीडियो स्किप करके देखोगे मेरे भाई कुछ समझ नहीं आएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से, और इस वीडियो का एम रखते हैं 100 लाइक का। दोस्तों आपके लाइक करने से हम लोगों को थोड़ा अच्छा फील होता है कि आप लोगों ने हमारी वीडियो पे प्यार दिखाया। चलो दोस्तों अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को अपने मोबाइल फोन में काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। काइनमास्टर एप्लीकेशन अगर आपके मोबाइल में नहीं है भाई, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, लिंक पे जाके क्लिक करके गूगल प्ले स्टोर से काइनमास्टर एप्लीकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल कर लो। अब दोस्तों हम करते हैं बात वीडियो का बैकग्राउंड ब्लर कैसे करेंगे। दोस्तों आपको सबसे पहले एक पिक चाहिए बैकग्राउंड में, जो आप ब्लर करना चाहते हो जिस बैकग्राउंड को, वो पिक चाहिए। वो आप दोस्तों आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों मैंने एक पिक ऑलरेडी गूगल से डाउनलोड की हुई है, तो मैं उसको ले लेता हूं। दोस्तों मीडिया पे क्लिक करने के बाद हमारे मोबाइल की गैलरी खुल गई है। अब इससे हम पिक ले लेते हैं जो मैंने गूगल से डाउनलोड की हुई है। तो दोस्तों देखो ये हमारे पास फोटो है एक, जो हमने गूगल से डाउनलोड किया था। अब दोस्तों पहले हम इस फोटो को ब्लर बनाते हैं। इस फोटो को ब्लर कैसे बनाएंगे दोस्तों, लेयर पे क्लिक करेंगे। लेयर पे क्लिक करने के बाद दोस्तों इफेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, इफेक्ट पे क्लिक कर देंगे। इफेक्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों बेसिक इफेक्ट्स लिखा आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे साइड में दो ऑप्शन है, हम ब्लर वाले पे करेंगे, जहां पे ब्लर लिखा हुआ है पहले वाले पे। इस पे जैसे हमने क्लिक किया, अब दोस्तों ऊपर राइट का निशान लगा हुआ है, इस पे राइट कर देंगे। अब दोस्तों देखो ये आपके सामने, देखो दोस्तों ये ब्लर आ गया है। अब दोस्तों इसको फुल स्क्रीन कर लो, फुल स्क्रीन नीचे से ऐसे बड़ा कर देंगे। अब दोस्तों ये इमेज पूरी ब्लर हो चुकी है। अगर दोस्तों आप ब्लर कम ज्यादा करना चाहते हो, तो भाई दोस्तों साइड में आपको दिख रहा होगा अल्फा पे क्लिक करके दोस्तों इसको देखो आप ब्लर को कम ज्यादा भी कर सकते हो। अब दोस्तों आपको इस ब्लर बैकग्राउंड के सामने अपनी वीडियो लगानी है। अपनी वीडियो भाई आपको कैसे लगानी है दोस्तों, लेयर पे क्लिक करने के बाद मीडिया पे क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपकी गैलरी खुल जाएगी। अब दोस्तों आपकी गैलरी में वीडियो जोन सी भी आपको लगानी है, आप वीडियो सेलेक्ट कर लीजिए। तो भाई मेरे वीडियो ये रही। अब दोस्तों मैं इस वीडियो को लगाना चाहता हूं बैकग्राउंड में। दोस्तों ग्रीन इफेक्ट की वीडियो होनी चाहिए, आपके बैकग्राउंड में ग्रीन पर्दा होना चाहिए। तो भाई दोस्तों पहले मैं इसको थोड़ा सा काट लेता हूं साइडों से वीडियो को। वीडियो पे क्लिक करके भाई थोड़ा नीचे चलेंगे तो क्रॉपिंग का ऑप्शन आ रहा है। क्रॉपिंग के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ऊपर मार्क्स के सामने टिक लगा देंगे। अब दोस्तों यहां से हम इसको क्रॉप कर लेते हैं साइडों से। अब दोस्तों ऊपर राइट का निशान लगा लो। अब देखो दोस्तों हमारी परफेक्ट बन गई है ये लेयर। अब दोस्तों जो एक ग्रीन पर्दा है ना पीछे की साइड, इस ग्रीन पर्दे को गायब कर दें अगर हम, तो हमारी वीडियो ब्लर बैकग्राउंड में लग जाएगी। अब दोस्तों ये गायब कैसे होगी, दोस्तों लेयर पे ऑप्शन करें क्लिक करेंगे और नीचे चलने के बाद दोस्तों क्रोमो की का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे, ऊपर इनेबल कर देंगे। देखो दोस्तों अब ये आपको एडजस्ट खुद करनी पड़ेगी। ये 28% आ रहा है, एक जगह 50% आ रहा है, इसको एडजस्ट भाई आप लोगों को खुद करना पड़ेगा। दोस्तों हमने एडजस्ट कर लिया और बैकग्राउंड आप लोग खुद देख लो भाई। अब दोस्तों ऊपर राइट का निशान लगा दो। अब दोस्तों अगर इस पिक को इसका हम थोड़ा ब्राइटनेस या कुछ भी करना चाहते हैं थोड़ा चेंज, तो भाई एडजस्टमेंट का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके इसको आप दोस्तों
आप जैसे भी वीडियो का थोड़ा कलर अच्छा करना चाहते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। ऊपर राइट का निशान लगा दो। अब दोस्तों मैं इस वीडियो को आपको फुल स्क्रीन में चला के दिखा देता हूं, प्ले करके। दोस्तों मेरा बैकग्राउंड आप लोगों को ब्लर दिखाई दे रहा होगा, है ना? दोस्तों ये DSLR कैमरे का कमाल नहीं। इस तरीके से दोस्तों आप लोग अपनी वीडियो को एक परफेक्ट लुक दे सकते हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। और अगर दोस्तों आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।